फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है, आज के इस लेक्चर के अंदर जावास्क्रिप्ट का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, जो कि हमारा नॉट अ नंबर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NaN या फिर नैन बोल सकते हैं। ये क्या होता है नॉट अ नंबर जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। इससे पहले हमने फ्लोटिंग नंबर, इसी प्रकार से इंटीजर नंबर, यानी कि जो हमारा नंबर होता है, नंबर डेटा टाइप होता है, उसको तो हमने समझ लिया, लेकिन ये हमारा नॉट अ नंबर कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको हम समझने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। सबसे पहले NaN का मतलब क्या होता है, NaN इज अ शॉर्ट फॉर नॉट अ नंबर, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है NaN की, नॉट अ नंबर होती है। इतना तो समझ में आया। इन जावास्क्रिप्ट NaN इज अ नंबर, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो NaN होता है ये क्या होता है, एक नंबर होता है, लेकिन एक्चुअली में एक ऐसा नंबर होता है, इसको समझते हैं। NaN इज अ नंबर डेट इज नॉट अ लीगल नंबर, लेकिन ये एक लीगल नंबर नहीं होता है और ना ही एक वैलिड नंबर होता है, यानी एक ऐसा नंबर होता है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है, यानी इसीलिए ये क्या नहीं होता है, एक वैलिड नंबर नहीं होता है, एक इनवैलिड वैल्यू होती है, इनवैलिड नंबर होता है। द ग्लोबल नैन प्रॉपर्टी इज द सेम एज द नंबर, यानी कि इसको हम सेम एज द नंबर समझते हैं, लेकिन ये एक लीगल नंबर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी नंबर, यानी कि मान लेते हैं कि जीरो को जीरो से अगर डिवाइड करते हैं तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ पर अगर आप जावास्क्रिप्ट के अंदर जीरो को जीरो के साथ डिवाइड करेंगे, उस कंडीशन पे यहाँ पर आपको NaN प्रिंट में मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि एक वैलिड नंबर नहीं है, यानी एक लीगल नंबर नहीं है, यानी कि नॉट अ नंबर है। नंबर तो है जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन ये कैसा नंबर है इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, यानी कि एक लीगल नंबर नहीं है। अगर आप देखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने 25 लिखा, तो 25 का मतलब 25 होता है, ये तो समझ में आता है। इसी प्रकार से 2 लिखा, 2 का मतलब 2 होता है। इसी प्रकार से मान लीजिए आपने 0 लिखा, सिंपल सा 0 का मतलब क्या होता है, 0 होता है। लेकिन आप ऐसे नंबर से ऐसे नंबर को डिवाइड कर रहे हैं जिसका क्या रिजल्ट आएगा ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, इस वजह से एक इनवैलिड नंबर होता है जो हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर NaN होता है। इसके बाद हम देखते हैं, अगर हम नॉट अ नंबर से किसी भी नंबर को माइनस करते हैं या फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं या फिर उसको हम डिवाइड करते हैं, जितने भी ऑपरेशंस अभी तक हमने सीखा हुआ है उसमें से कुछ भी परफॉर्म करते हैं, तो उस कंडीशन पे वो क्या होगा, इनवैलिड नंबर ही होगा, यानी कि NaN ही आएगा। इसको एक बार हम करके देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लेट कीवर्ड की हेल्प से हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, एक्स इक्वल हमने वैल्यू पास कर दी 0। इसी प्रकार से वाई इक्वल एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं जिसके इक्वल भी हमने वैल्यू क्या पास कर दी 0। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से लेट कीवर्ड को लेते हैं, इन दोनों नंबर्स को हम डिवाइड करने वाले हैं। यहाँ से ड्यू नेम का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके इक्वल हम क्या करने वाले हैं, एक्स डिवाइडेड वाई, हम यहाँ पर वाई कर देते हैं, क्लोज किया हमने। अब इसके बाद जो हमारा ड्यू है इसकी वैल्यू को अगर हम प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर क्या प्रिंट में आ रही है, NaN, यानी कि नॉट अ नंबर, यानी कि जो डिवाइड होने के बाद जो भी वैल्यू आ रही है, जीरो जीरो को जीरो से अगर हम डिवाइड करते हैं, सिंपल तरीके से भी चेक कर सकते हैं, तो इस कंडीशन पे नॉट अ नंबर हमारे पास प्रिंट होकर के आ रहा है। यानी जावास्क्रिप्ट के अंदर ये नंबर तो होता है लेकिन एक इनवैलिड नंबर होता है, कोई वैलिड नंबर नहीं होता है, लीगल नंबर नहीं होता है। इसी प्रकार से अगर हमें चेक करना हुआ कि यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है ड्यू, इसके अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर हुई है, तो इसको हम चेक कर सकते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर की हेल्प से यहाँ पर, और इसके लिए हमने यहाँ से ड्यू वेरिएबल को लिखा। इसके बाद अगर आप देखते हैं जो हमारा नॉट अ नंबर यहाँ पर प्रिंट हुआ है, ये किस टाइप का डेटा टाइप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नंबर है, लेकिन इसकी क्या वैल्यू होगी ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, क्योंकि एक वैलिड नंबर नहीं होता है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमने डायरेक्टली टाइप ऑफ ऑपरेटर को यूज किया और इसके बाद NaN डायरेक्टली लिख करके भी हम चेक कर सकते हैं, तो ये क्या होता है, एक नंबर होता है लेकिन एक वैलिड नंबर नहीं होता है। इसी प्रकार से मान लीजिए हमने नॉट अ नंबर को लिया और इसके साथ हमने कुछ वैल्यू ऐड कर दी, मान लीजिए 25 हमने ऐड किया, इस कंडीशन पे हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, NaN ही मिल रहा है। मान लीजिए हमने इसके साथ कुछ माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया कुछ वैल्यू को, फिर भी हमारे पास नॉट अ नंबर ही आ रहा है। मान लीजिए हमने कुछ वैल्यू को यहाँ से डिवाइड कर दिया, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, फिर भी नॉट अ नंबर आ रहा है। कुछ वैल्यू को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई हमने 6 कर दिया, फिर भी नॉट अ नंबर आ रहा है। मान लीजिए नॉट अ नंबर से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किसकी कर दी, नॉट अ नंबर की ही कर दी, उस कंडीशन पे भी हमारे पास NaN यानी नॉट अ नंबर ही क्या हो रहा है, यहाँ पर वैल्यू रिटर्न में मिल रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको समझ
समझ में आया होगा, जब भी आप कोई इनवैलिड नंबर लिखते हैं जिसका कोई भी मतलब नहीं होता है, तो उस कंडीशन पे आपको ये वैल्यू क्या होगी, सो होगी नॉट अ नंबर। तो इस प्रकार से जावास्क्रिप्ट के अंदर नॉट अ नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको हमने डिटेल में समझ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों, अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।